हेलो एवरीवन, सुबह का वक्त और टाइम है कि बिहार के अलग अलग अखबारों में तलाशा जाए कि टीचर रिक्रूटमेंट या एसटीईटी से जुड़ी हुई कौन सी खबरें प्रकाशित हुई हैं। मैं शुरुआत में ही बोल दूं कि आज कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर नहीं है, जो कुछ है वो कवर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। सबसे पहले कल का जो ट्विटर कैंपेन था उसके बारे में, जो लेफ्ट पैनल में जो खबरें छपती हैं अखबारों में, तो कई ज़िलों के अंदर वो खबरें मौजूद हैं कई अखबारों में। आप अभी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं ये उसी बारे में है। रिज़ल्ट के लिए सोशल मीडिया पर चलाया अभियान, तीन सब्जेक्ट का जो बचा हुआ रिजल्ट है उसकी बात हो रही है। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए संघर्षरत एसटीईटी अभ्यर्थियों ने रविवार को सोशल मीडिया पर अभियान चला। एसटीईटी परीक्षा 2019 के शेष बचे तीन विषयों के विज्ञान, संस्कृत और उर्दू के परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की है। बिहार में 37,335 माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एसटीईटी परीक्षा 2019 ली गई थी, जिसके विज्ञान, संस्कृत और उर्दू का परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड से तीन विषयों का रिजल्ट जारी करने की मांग की। यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं और सिमिलर ऐसी खबरें, ऐसा ही कॉन्टेंट इसी ट्विटर कैंपेन की बात करते हुए और भी कई अखबारों में आपको मिलेगा, पर प्रमुखता से मुझे कहीं नहीं दिखा। सब जगह वही लेफ्ट पैनल में छोटा सा स्पेस दिया जाता है, उसी में हर जगह पर है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर ये ज़रूरी है कि स्कूल कॉलेज खुलेगी तभी बहाली की प्रक्रिया में पेश आएगा। जुलाई में शर्तों के साथ खोले जा सकते हैं स्कूल कॉलेज, ये आज के तकरीबन तमाम अखबारों में ये मौजूद है और प्रमुखता के साथ मौजूद है, कईयों में ये फर्स्ट पेज पर मौजूद है। तो स्कूल कॉलेज खुलेंगे, नया सेशन, नया सत्र शुरू होगा। जिस तरह से सरकार ने बात किया था कि नए सत्र से उत्क्रमित जो स्कूल हैं उनमें छठे फेज़ वालों की बहाली की जाएगी, तो अगर स्कूल कॉलेज खुल जाता है तो छठे फेज़ की बहाली होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी जुलाई में कुछ कंडीशंस के साथ स्कूल को खोलने की बात हो रही है। और इसके अलावा और मुझे कोई खबर दिखी नहीं एसटीईटी के टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ी इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए इतना ही, आगे एसटीईटी से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, अपडेट आती है, जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।